हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जुलाई 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर गुजरात में है और इससे पूर्व SBI ने भी इंस्टा बैंकिंग अकाउंट सर्विस शुरू किया था। यह एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है सेविंग खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ए असम, बी राजस्थान, सी मणिपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी आंसर सही है, मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोवा त्यौहार मनाया जाता है। इस यहाँ पहले खुडोल हुई थी एक योजना जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी तारीफ की थी। पौधों के लिए इन्होंने क्लिनिक खोला और खोंगजोम दिवस जो 23 अप्रैल के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2020 में किस राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र लागू लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल की सजा तथा 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो हमारा इसमें आंसर नंबर डी सही है, झारखंड। झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे CM हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एनी रोश का निधन हुआ है, वे कौन थीं? लेखक ए, दो बी गायिका, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। यह इंग्लैंड की प्रसिद्ध गायिका थीं और इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? बी एझीमाला। जुलाई 2020 में इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला कोच्चि में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है जो 2022 में 100 गीगावाट तक बिजली उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा COVID-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है? नंबर ए एम्स नागपुर, बी IIT जोधपुर, सी IIT नागपुर या सभी कथन सत्य हैं। इसमें हमारा डी आंसर नंबर डी सही है, अर्थात एम्स नागपुर, IIT जोधपुर और IIT नागपुर इन तीनों ने मिल के ही रिस्ट बैंड की निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 के लिए 100 परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना अभी स्टार्ट हुई थी और वर्चुअल अदालतों को जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी है और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है जहां। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2020 में किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को वित्तीय प्रशिक्षण देने के लिए NHDC के साथ समझौता किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने के साथ NHDC ने समझौता किया है। हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है। जुलाई 2020 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो हमारा रूस। जुलाई 2020 में रूस ने MGTD
20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। नंबर दो, उड़ान परीक्षण तातरस्तान और कजाकिस्तान विमानन केंद्र में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर नंबर सी नई दिल्ली सही है। जुलाई 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र गांधी दर्शन राजघाट में स्थित है और इस केंद्र पर चमड़ा कारीगरों को उच्च गुणवत्ता के जूते चप्पल बनाने के लिए 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसी प्रकार का एक और फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में भी स्थापित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में DRDO ने कहाँ COVID-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? ए शिमला, बी लेह, सी दिसपुर, डी इनमें से कोई नहीं। बी लेह। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके चेयरमैन इस समय जी सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो मेरा वीडियो यदि आपको हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।